दोस्तों बात करने वाले बैंकिंग स्टॉक के बारे में, जैसा कि यूको बैंक, महाबैंक एंड यहाँ पे दोस्तों जो अपना यहाँ पे है आईओबी बैंक, मतलब दोस्तों एक अभी के टाइम आप देखेंगे तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक तेजी में भी है, बट कोई बड़ा मूव नहीं दिखा रहे, मतलब टोटली कंसोलिडेट से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आगे क्या चीजें रह सकती है, एंड यहाँ पे किस स्टॉक में भी निवेश का मौका बन रहा है। अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो बैंकिंग इतने स्टॉक है, कौन यहाँ पे जल्दी अपने को रिटर्न देगा, वो सारी चीज वीडियो में अपन देखने वाले हैं। एंड यहाँ से दोस्तों आपको पता है कि बजट भी आने वाला है, बट बजट में इस जो यहाँ पे फरवरी में बजट आने वाला है दोस्तों, तो उसमें कुछ यहाँ पे खास नहीं दिख रहा। जैसे कि निर्मला सीतारमण ने कल यहाँ पे एक बयान में कहा था कि चुनाव बाद जो बजट आएगा, यहाँ पे अप्रैल में लोकसभा के चुनाव है, तो उसके बाद जो बजट आएगा उसमें कुछ बड़ी चीजें अनाउंसमेंट हो सकती है। एंड यहाँ पे कल दोस्तों जो यहाँ पे रेपो रेट मौद्रिक नीतियां, तो उन पर चर्चा हुई, मतलब बैठक हुई आरबीआई की, उसमें ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली कि भाई जो रेपो रेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, एंड उसका इफेक्ट मार्केट में एंड मोमेंट पे पड़ा है। एंड मोमेंट पे यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। जैसा कि आप देखोगे दोस्तों सभी स्टॉक यहाँ पे वोलेटिलिटी में नजर आए, एक भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसके अंदर कोई बड़ा धमाका देखने को मिला है, उल्टा यहाँ पे आईबी बैंक में गिरावट तक देखने को मिली है 3.5% की। एंड इसी के साथ महाबैंक में देखा जाए तो कंसोलिडेट दिख रहे हैं, एंड जो यूको बैंक है उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बाउंस देखने को नहीं मिला। तो आगे क्या चीजें यहाँ पे रहेगी, करना क्या चीजें, अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहनी चाहिए, एंड किस स्टॉक में देखिए टाइम निवेश करें, सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करने वाले। जैसे कि यूको बैंक में आप देखोगे दोस्तों तो यूको बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, यूको बैंक टोटल यहाँ पे तेजी के बाद कंसोलिडेट करता है, आप देख सकते हो यहाँ से कंसोलिडेट ब्रेकआउट तेजी। अब जो ये ब्रेकआउट बना था ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन चुका है, एंड इसको आसान स्टॉक नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ पे हम अभी के टाइम यूको बैंक को खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अपना ASL है वो 38 और हम यहाँ पे 39 के ASL के साथ हम इसको खरीद सकते हैं, अभी ट्रेड कर रही है 39.85 पे, एंड इसको हम खरीद सकते हैं 39 के ASL के साथ। अगर इसके नीचे जाता है सेल कर देंगे, ऊपर ऊपर का टारगेट यहाँ से अगर देखा जाए तो 50 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि RSI भी कोई ओवरबॉट नहीं है, और RSI ओवरसोल्ड डेफिनेटली RSI इतना ही रहता है, इन कंसोलिडेट ये कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे ही मौका मिलेगा ये बड़ी तेजी दिखाएगा, एंड एग्जिट के लिए आपको 46 होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम थोड़ा पैसे से रखे, कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। महाबैंक का डाटा देखा जाए, महाबैंक भी दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि तीनों बैंक एक ही समय पे ये तेजी दिखाएंगे। देख सकते हो RSI 60 का 60 के आसपास में, देखो पिछले एक महीने से ऑलराउंड देखा जाए तो इसी जो टेंडर लाइन है इसमें यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट इसका बना ऑलराउंड यहाँ पे 38 के आसपास, तो इसको भी हम प्रेजेंट टाइम पे खरीद सकते हैं 38 के ASL के साथ, वही टारगेट यहाँ पे 50 के आसपास रहने वाले हैं, एंड 50 का भी इसका बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, कई लोग ऐसे जिन्होंने 50 के आसपास भी खरीद रखे हैं। तो देखो पैनिक मत हो यहाँ पे, जैसे ही मौका मिलेगा स्टॉक बड़ी रैली की तरफ जाएंगे। यहाँ से देखा जाए आईओबी बैंक के बारे में तो इसमें तेजी तो थोड़ी उल्टा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, RSI आ चुका है 59 का। यहाँ से चार्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों ब्रेकआउट के बिल्कुल एक ट्रेंड मतलब बिल्कुल करीब चला गया था, यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करता डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट अपने को दिखता है, फिर से यहाँ पे तेजी में देखने को मिलता, बट हुआ क्या यहाँ से फिर से गिरावट में आ चुका है। जैसा कि आप चार्ट देखेंगे यहाँ से भाई, तो चार्ट में देखो मेन सपोर्ट अगर देखा जाए स्टॉक का यहाँ से भी टाइम, तो निचला बॉटम पे तो देख सकते हो 36 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ, एंड जो खरीदारी है वो हम कर सकते हैं, एंड ब्रेकआउट यहाँ से दोस्तों इस रेंज का रहने वाला है। ब्रेकआउट की बात कर ले यहाँ से कि भाई ब्रेकआउट किस लेवल का बनेगा, तो ब्रेकआउट दोस्तों ये बनेगा और यहाँ से बता दूंगा 45 के आसपास का ब्रेकआउट बनेगा, तो ये चीज आप ध्यान दें। एंड देखो मार्केट में पैसे रखेगा वही पैसा बनाएगा, अभी के टाइम कंसोलिडेट दिख रहा है, बैंकिंग सेगमेंट नहीं चल रहा है, पावर सेगमेंट चल रहा है। जैसे कि आप पावर सेगमेंट में देखेंगे तो एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, इसी के साथ जब बैंकिंग सेगमेंट हमने देखा था कि जो ये स्टॉक थे 15-20 रुपए पे ट्रेड करा करते थे, जब बैंकिंग सेगमेंट चल रहा था तो एक बड़ी रैली इन्होंने दिखाई, जैसा कि आप पंजाब बैंक को देख लीजिए यहाँ पे, एंड इसी के साथ आप देख लीजिए दोस्तों जो आईबी बैंक है इसको ही देख लीजिए, एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो अभी के टाइम तो यही कि बैंकिंग सेगमेंट टोटली कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से जैसे बैंकिंग सेगमेंट को मौका मिलेगा एक बढ़िया तेजी दिखाएगा, पेशेंस रखें।